हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कविता और आज का मेरा ब्लॉग है। आज मैं आपके साथ एक हिमाचली डिश जो है वो शेयर करने जा रही हूँ, जिसे हम अपनी भाषा में जो है बबरू कहते हैं। आप क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। पुराने समय में ये बच्चे और बड़े जो हैं बड़े चाव के साथ इसे खाते थे। पुराने समय में मिठाइयाँ जो हैं बहुत कम होती थी, तो यही चीज़ें जो हैं वो खाई जाती थी। ये मीठे और नमकीन दोनों तरीके से बनाए जाते हैं। और पुराने समय में ऐसा था कि जब किसी की शादी विवाह या फिर जन्मदिन होता था तो यही चीज़ें जो दी थी होती थी जो लोगों में बांटी जाती थी। तो किस तरह से ये बनाई जाती है, अब जो है बहुत कम घरों में ये चीज़ें जो है बनाई जाती हैं। काफ़ी स्वादिष्ट होती है, परंतु काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता होगा, परंतु आने वाले बच्चों को शायद हो सकता है कि इन चीज़ों के बारे में ना पता हो। तो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ हिमाचली बबरू। हिमाचली बबरू जो कि सबकी बहुत ज़्यादा पसंद थी, वो बनके तैयार हो चुके हैं और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। इसे जो है मैंने नमकीन बनाया है और इसे अब जो है सांभर के साथ या फिर अचार के साथ जो है इसका आनंद ले सकते हैं। और जो पहले पुराने लोग थे वो अक्सर जो है इन बबरू को जो है गुड़ के साथ खाते थे, उनका अलग ही स्वाद था। तो बहुत से लोगों को इसके बारे में पता भी होगा, तो आप हमें कमेंट करके ये बता सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे हो तो एक शेयर जरूर कीजिए।